दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका स्वागत है कृष्णा इंटरप्राइजेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कृष्णा मैन्युफैक्चरिंग ऑफिशियल में। दोस्तों पहले क्या होता था अपने यहाँ पे कि लोग जब लघु उद्योग की जब स्टार्टअप की बात करते थे तो वो दिल्ली और गुजरात की तरफ रुख करते थे मशीनों के लिए। बट मैं कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैं हर मशीनों के बारे में बताता हूँ, दिल्ली से लेकर गुजरात तक चाहे कोई भी मशीन हो, तो उसका सॉल्यूशन मैं देता हूँ। और मैं बिहार के मुजफ्फरपुर में हूँ और ये बिहार के मुजफ्फरपुर में कृष्णा इंटरप्राइजेज है, जहाँ पे इतनी अच्छी मशीन जो है दिल्ली और गुजरात से जो है अच्छी मशीन यहाँ पे भी बनाई जाती है। लोगों का बिलीव सिस्टम होना चाहिए, एक बिलीव होना चाहिए कि जब दिल्ली और गुजरात आप रवाना होते हैं और सर्विस आपको बिहार से मिलता है, तो क्यों ना आप बिहार से ही अपने बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका जो भी सर्विस मिल रहा है अभी बिहार से उससे बेस्ट मेरे द्वारा या कृष्णा इंटरप्राइजेज के द्वारा आपको सर्विस मिले। सो इसी पे मैं बात करने वाला हूँ और कृष्णा इंटरप्राइजेज में बेस्ट क्वालिटी की मशीन दिखाने वाला हूँ। अगर आप लघु उद्योग से रिलेटेड खास करके पेपर प्लेट मैकिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, उसके रॉ मटेरियल का बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो। पेपर प्लेट मैकिंग बिजनेस के लिए दो तरह की मशीनें लोग यूज करते हैं। एक होता है कि हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक ऑल इन वन टाइप मशीन, हाइड्रोलिक सेमी ऑटोमेटिक टाइप, और एक करंट मशीन। उसके बाद इसकी रॉ मटेरियल की बात की जाए तो पेपर लेमिनेशन मशीन जो इस प्रकार की आती है, इस मशीन से जो है पेपर प्लेट का जो है रॉ मटेरियल को जो है तैयार किया जाता है। तो मैं आज सभी मशीनों के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा। जैसे कि ये पेपर प्लेट मैकिंग मशीन का जो है सेंटर मोटर डबल डाई है, इसमें क्वालिटी मैं दिखाना चाहूँगा कि ये चैनल बॉडी में जो है बनाई गई है। साथ ही इसका क्रेंक का जो है क्वालिटी काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का है। इसका पुल्ली का क्वालिटी देखिए तो बेस्ट क्वालिटी का है। ये तो अभी सिर्फ फ्रेम ही है, मैं आगे वीडियो में आपको इसका जो है फुल्ली बना हुआ भी मशीन दिखाऊंगा। अब एक एक तरीके से मैं एक तरफ से आपको सारी मशीन के बारे में बताऊंगा। ये ऑल इन वन का जो है सबसे बेस्ट मॉडल है। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 और ये बेलन जो है ये 18 इंच का जो है इसमें बेलन, और बेस्ट क्वालिटी का बेलन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस बेलन में लो क्वालिटी का रबर यूज करते हैं, जिससे क्या होता है बेलन फट जाता है और बेलन जो है एक साल के अंदर ही बर्बाद हो जाता है। लेकिन ये 10 साल का गारंटी है इस बेलन का, कि इसमें कुछ नहीं होगा। और बहुत सारे लोग ऑल इन वन मशीन निर्माण करने वाले क्या करते हैं कि इस जगह पे जो है वेल्डिंग मार देते हैं, लेकिन यहाँ जो है नट बोल्ट सिस्टम दे करके इसको बनाया कि अगर ज़रूरत पड़े इसमें तो इसको हम खोल कर हटा सकते हैं, स्क्रबर पैकिंग कर सकते हैं और चप्पल बना सकते हैं आसानी तरीके से। लेकिन आप बताइए, यहाँ वेल्डिंग जो है डायरेक्ट मार दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि इसमें स्क्रबर पैकिंग हो जाएगा, चप्पल भी बन जाएगा, तो ये बिल्कुल जो है झूठी बात होती है। और इसमें देखिए 4 रोल के लिए कस्टमर जो है ऑर्डर दिए हैं, तो इनके लिए 1, 2, 3, 4 4 रोल का ऑप्शन के साथ इसको बनाया गया है। अब इसमें बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट होता है कि हमको डबल डाई में चाहिए, तो देखिए इसमें डबल डाई में भी जो है बनाया गया है। जैसे कि इसमें ये एक तरफ है 16 इंच का बेलन इधर दिया गया है और 16 इंच का बेलन इधर भी दिया गया, यानी एक ही मोटर से कम बिजली में जो है सबसे बेस्ट प्रोडक्शन करने वाला ये 8 रोल का मशीन जो है बनाया गया है। मशीन का प्राइस भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इधर रॉ मटेरियल निर्माण करने वाली जो ये सीट कटर मशीन आती है वो है, जो कि गोल कटा हुआ इस प्रकार का, अगर आप सर्कल बनाना चाहते हैं, सर्कल का रॉ मटेरियल आप तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है दिल्ली गुजरात जाने की अब ज़रूरत नहीं है। अपने बिहार में ही इस प्रकार का जो है सर्कल मशीन और इस प्रकार का जो है सीटर मशीन का जो है निर्माण किया जाता है। अब मैं अगली मशीन के बारे में रुख करूंगा। तो पेपर प्लेट मैकिंग मशीन में कम पूंजी से स्टार्ट करने वाली जो बेस्ट मशीनें सब है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आप देख पा रहे हैं ये मशीन जो है कम पूंजी में सबसे बेस्ट मशीन है, जो कि ये डबल ब्लॉक बैरिंग में बनाई गई है। अब देखिए इसमें पेपर प्लेट मैकिंग बिजनेस में अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग मतलब कि अफवाह फैलाते हैं कि 25,000 में बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए और 30,000 में बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। तो सच्चाई है कि वो मशीन आता है, लेकिन वो एंगल बॉडी में आता है, ये एंगल बॉडी है तो ये एंगल बॉडी में आता है, बल्कि चैनल बॉडी में इस प्रकार का 4 इंच का चैनल दे करके, डबल ब्लॉक बैरिंग दे करके अगर आप मशीन को
बनवाते हैं, तो क्वालिटी आपको ये मिलने वाला है जो अभी ये बना हुआ है। और सेम अगर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा नहीं है, मशीन लो क्वालिटी का भी आता है, आप देख लीजिए इधर ये सिंगल ब्लॉक बेयरिंग में जो है क्रैंक मशीन बनाया गया है। तो अब आप ही डिसाइड कीजिए कि इस मशीन में सिंगल ब्लॉक बेयरिंग दिया गया है और इस मशीन का हाइट इस मशीन से जो है काफ़ी है, तो इससे क्या रियलाइज होता है कि पेपर प्लेट का डाई काफ़ी बड़ा भी होता है और काफ़ी छोटा भी होता है। तो सब डाई चलाने के लिए जो है इस प्रकार का मशीन आपको बनाना ही पड़ेगा, तभी जो है आप बेस को बेस्ट क्वालिटी का जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब मैं इसमें ये अदर मशीन की बात करूं तो ये देख लीजिए डबल ब्लॉक बेयरिंग में इसका प्लेट का क्वालिटी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 1 mm का यूज कर देते हैं, लेकिन इस जगह 6 mm 7 mm का आपको प्लेट का क्वालिटी मिल जाता है, जिसमें अगर 16 इंच डाई भी अगर इस पर रख दिया जाए तो इसमें लचक नहीं आएगा और बेस्ट क्वालिटी का जो है प्रोडक्शन करके देगा। इसमें ये डबल ब्लॉक बेयरिंग में ये बेस्ट फीचर वाला मशीन है, जिसमें 4 इंच से लेकर 16 इंच तक आप ऑल आइट प्रोडक्ट को जो है बना सकते हैं और आप ऑर्डर के हिसाब से जो है मशीन को बनवा सकते हैं। अगला मशीन जो है ये लेमिनेशन का मशीन है। अब लेमिनेशन में मैं तो बहुत फीचर बताया हूँ अब पिछले वीडियो में, लेकिन फिर भी फिर से एक बार मैं फीचर इसमें बता देता हूँ कि लेमिनेशन आप जब भी परचेज कीजिए तो इस तरह का जो है ये जो चूड़ी कटा हुआ है, गुना कटा हुआ है, ये होना अति आवश्यक है पेपर लेमिनेशन मशीन में। मैं हरगिज़ के कहता हूँ कि इन चीज़ों को आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिए ताकि, और 3D कटर में ही मशीन परचेज कीजिए। ये चैनल बॉडी में है और इसमें जो है देख लीजिए ये पूर्ण रूप से जो है ये चूड़ी कटा हुआ है। तो इस प्रकार से चूड़ी कटने से क्या होता है कि ये इस पर जब ये नट बोल्ट सिस्टम रहेगा तो इसका जो रूला होगा जिसमें हम लपेटेंगे कोन को, वो पूरी तरीके से जो है एब्जॉर्ब करेगा, पूरी तरीके से जो है वो टाइट करेगा, तभी रोल में लचक नहीं आएगा, रिंकल नहीं आएगा और बेस्ट क्वालिटी का जो है रोल कटिंग करके वो लपेट करके देगा। और इस प्रकार से जो है सपोर्ट दिया हुआ है ताकि पिनियन कभी ख़राब ना हो। तो इन सब चीज़ों को देख करके जो है मशीन परचेज कर सकते हैं और ये अपने बिहार में है तो बिहार में आके आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बिहारियों को कहते थे कि बिहारी का सक्सेस नहीं है, इस चीज़ को आप लोग रियलाइज कीजिए कि दिल्ली और गुजरात से बेस्ट मशीन अपने बिहार में बनाई जाती है, बस आप लोगों को एक बार घूमने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। सो आई रिक्वेस्ट कि आप अगर इस चीज़ को करना चाहते हैं तो कृष्णा इंटरप्राइजेज में आके सिर्फ विजिट कीजिए और इस चीज़ को समझिए और अपना आप सजेशन भी दे सकते हैं। यहाँ आप वर्कशॉप में आके आप अपना बेस्ट सजेशन भी दे सकते हैं कि हाँ इस चीज़ को अगर आपको लगे कि ये इस चीज़ को इससे और इस प्रकार से आप बनाइए बेस्ट होगा, तो ये मैं आप लोगों का वेलकम है यहाँ कि आप आकर के आप सजेशन बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि मिल के अगर बिजनेस को किया जाए और मिल के बनाया जाए तो ग्रोथ काफ़ी हो सकती है और अच्छी अच्छी क्वालिटी की मशीन जो है इस फैक्ट्री में और भी बन सकती है, जो कि अभी बन रही है। लगभग 50 प्रकार का जो है प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है, कृष्णा इंटरप्राइजेज के ऊपरी भाग में भी प्रोडक्ट जो है बन के रखा हुआ है, साथ ही साथ इसका अपना रॉ मटेरियल का भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जो कि हर प्रकार की रॉ मटेरियल जो है बनाई जाती है। अब बात आती है कि प्राइज की, तो प्राइज मैं बता दूँ ये चैनल बॉडी में अगर इस प्रकार का मशीन लेते हैं तो ये आपको 45,000 के स्थिति में आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ 25,000 का भी सिंगल डाई इस फैक्ट्री से आपको मिल सकता है, मात्र 25,000 का, जो कि आप दिल्ली और गुजरात से जो परचेज कीजिएगा उससे बेस्ट क्वालिटी का मशीन आपको यहाँ मिल जाएगा। 25 का भी मिल जाएगा, 45 का भी मिल जाएगा, 65 का भी मिल जाएगा, डबल डाई में मिल जाएगा, सिंगल डाई में मिल जाएगा, बट आपका ज़रूरत क्या है, आपके एरिया में मांग क्या है, उस प्रकार का जो है मशीन यहाँ आपको बन के मिलेगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता हूँ और लाता रहूँगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।